अगर आप स्किन शेडिंग करते वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे कि पैचेस का होना और इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग, नॉट गेटिंग 3D और रियलिस्टिक लुक स्किन टेक्सचर एंड इट्स हाइलाइट्स, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। एंड माय नेम इज सनी सोल, और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा हाउ टू शेड रियलिस्टिक स्किन स्टेप बाय स्टेप। तो ये सीखने के लिए वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज सुनते रहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट शेडिंग। शेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जो इसकी आउटलाइंस हैं उनको थोड़ा सा डार्क करूंगा, सो दैट शेडिंग करते वक्त इनकी जो आउटलाइंस हैं वो इस शेडिंग के साथ मर्ज ना हो जाएं और बाद में मुझे मुश्किल हो इसको ट्रेस करने में। तो इसकी आउटलाइंस आप किसी भी पेंसिल से, 4B या 8B ग्रेड की पेंसिल से या फिर स्टैंडर्ड AA की पेंसिल से आप इसको डार्क कर सकते हो। आई एम करंटली यूजिंग 4B ग्रेड मैकेनिकल पेंसिल और इसकी जो जॉ लाइन है इसको भी थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। अभी मैं इसकी जो शेडिंग जोन्स हैं मैं उनको भी डिफाइन करूंगा, सो दैट मुझे अंदाज़ा रहे किस जोन में मुझे कितनी शेडिंग करनी है। और इस एरिया को डिफाइन करने के लिए मैं कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ। करंटली आई एम यूजिंग 2H पेंसिल। इस तरीके से आप इसके जोन्स वगैरह कर सकते हो डिफाइन। आप चाहे इसको ना भी डिफाइन करो, आप बेस लेयर क्रिएट करने के बाद भी आप इसको बना सकते हो। ऐसे तो कई सारे तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के, शेडिंग जोन्स को बनाने के। आपको जो पसंद आता है आप उस वे को फॉलो कीजिए। इस जोन में इसकी हाई टोन्स हैं और इसके ये वाले जोन्स में इसकी मिड टोन्स हैं और यहाँ पे है लाइट टोन्स या फिर हाइलाइटेड पार्ट्स। जो हाई टोन्स हैं वहाँ पे मैं HP ग्रेड की पेंसिल से थोड़ा सा शेड कर लूँगा उस एरिया को, और जो मिड टोन है उसको मैं 2H पेंसिल के साथ करूँगा और लाइट टोन को इसी तरीके से रहने दे दूँगा, बिकॉज जब शेडिंग करूँगा तो वो अपने आप एक अपनी शेड ले लेगा। ये लेयर बना लेने के बाद अब आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। आई एम यूजिंग सॉफ्ट टिश्यू। आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको धीरे धीरे ब्लेंड करना है, वेरी जेंटली ऑन इट। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपने, बिल्कुल एक जेंटल वे में आपको इसको ब्लेंड करना है, सो दैट एक इवन शेडिंग आपको मिले। कुछ एरियाज पे आप ऐसे सीधे सीधे भी आप ब्लेंड कर सकते हो, और जब ये पोर्शन ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप एक क्लीन पोर्शन को उठा के आप न्यू सरफेस पे आप इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो पुराने सरफेस पे जो ब्लेंड करने के बाद गंदा हो जाता है पोर्शन, उससे कई बार शेडिंग गंदी हो जाती है। तो ऑलवेज यूज द क्लीन साइड। लेयर को ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं फिर से इसके ऊपर एक लेयर बनाऊंगा। मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ इसकी जो हाई टोन्स हैं, बिकॉज एक बार हाई टोन क्रिएट हो जाए उसके बाद जब आपने लाइट टोन्स बनानी है तो आपको लाइट टोन्स का ज़्यादा अंदाज़ा रहेगा कि लाइट टोन्स कितनी लाइट होनी चाहिए। मैं बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ, जब मैं लाइट टोन्स पहले बना लेता हूँ और डार्क टोन्स बाद में, तो होता ये कि लाइट टोन्स मुझे और ज़्यादा लाइट लगती हैं बाद में, मुझे इसके ऊपर बाद में फिर से काम करना पड़ता है। सो दैट एक बेस लेयर में पहले बनाता हूँ, उसके बाद डार्क टोन्स, और उसको एक बार अच्छे से कन्फर्म कर लूँ कि डार्क टोन्स इतनी बनानी है मुझे, और उसके बाद फिर लाइट टोन्स में दोबारा वर्क करता हूँ। After making the layer, now you can blend it. Blending starting हम light tone से करेंगे। अब इसके बाद एक और layer बनाऊंगा मैं। I'm still using HP grade pencil. Darker tones आपने धीरे धीरे बनानी है। अगर एकदम से आप चाहोगे कि फर्स्ट लेयर में आप अचीव करना चाहोगे डार्क टोन मुझे इस जैसे चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको जो एक वेरिएशन होती है, जो एक ग्रेडियंट इफेक्ट होता है लाइट टू डार्क टोन के बीच में, वो आपको ईजिली अचीव नहीं होगा उससे। सो इससे बेटर है कि आप धीरे धीरे बनाइए और धीरे धीरे इस लेयर की टोन बढ़ाइए। Now again blend it. जितनी बार आप लेयर बनाओगे उतनी बार आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। इससे स्किन की शेडिंग पे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और एक स्मूथ इफेक्ट मिलता है हमें।
और हमें लेयर्स की टोनल वैल्यूज़ पे कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है। अभी लाइटर टोन्स की तरफ भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। अभी जस्ट हम बेस लेयर अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, जो टोनल वेरिएशंस हैं उनको अच्छे से बना रहे हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम बाद में बनाएंगे। अब एक और लेयर में बनाऊंगा, जो यहाँ पे हायर डार्कर टोन्स हैं, अभी मैं उसको बनाऊंगा। आई एम यूजिंग 4B ग्रेड पेंसिल। जो हम डेप्थ की बात करते हैं या रियलिज्म की बात करते हैं या फिर 3D लुक की बात करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से आती है। हमें लाइटर टोन्स, मीडियम टोन्स, हाई टोन्स, शेडोज और या फिर जो उसके जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, हमें इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इनकी, कि फेस पे किस पॉइंट पे ये कौन सी वैल्यूज हमें देनी है। हमने लाइट टोन्स बना दी इस पॉइंट पे, यहाँ पे मीडियम टोन्स, यहाँ पे हाई टोन्स और यहाँ पे जो शेडोज हैं हम वो अभी बना रहे हैं, और इस पॉइंट पे भी सबसे डार्क वैल्यूज हैं उसको भी हम साथ में बनाएंगे। इन चीज़ों की एब्सेंस की वजह से आपके जो फेस की डिटेल्स वगैरह हैं, शेडिंग्स वगैरह हैं, वो काफ़ी फ्लैट लगती हैं और फेस में वो 3D लुक वो नहीं आ पाता, या फिर आप जो कहते हैं डेप्थ नहीं आ पाती। बट ये एक बैलेंस में होना चाहिए, जैसा रेफरेंस में दिया गया होता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छा रहता है। एंड नाउ आई एम यूजिंग 8P ग्रेड पेंसिल। जो यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क पोर्शंस हैं, अभी उनको मैं सिर्फ एजिस पे मैं ही शेड करूँगा। आपको जब एक ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए हो, टोनल वेरिएशंस चाहिए हो, तो आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम दी लाइट टोन्स, देन इतने पोर्शन पे आप डार्क एरिया कर लो, उससे थोड़े से कम एरिया पे उससे थोड़ा सा डार्क कर लो, उससे कम एरिया में थोड़ा सा और डार्क कर लो। इसके साथ अगर एक एक लेयर को आप ऐसे ब्लेंड करते जाओगे तो एक टोनल वेरिएशंस बहुत अच्छी आपको मिलेगी। अभी डार्कर टोन्स बनाने के बाद अब हम इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे मिड टोन्स थोड़ी सी कम लग रही हैं, कहाँ पे लाइट टोन्स थोड़ी सी कम लग रही हैं, कोई एज इट इज़ बनी हुई है कि नहीं। अगर यहाँ पे नहीं बनी तो आप वहाँ पे उस पोर्शन पे आप दोबारा शेड करके आप बना सकते हो। डार्कर टोन्स के साथ कंपेरिजन करके ईजिली एनालाइज आप कर सकते हो अब टोनल वैल्यूज़ कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही हैं। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बट मुझे इस तरीके से टोनल वैल्यूज़ करेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प रहती है। बाकी आप किस तरीके से करते हो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर इस वे से आप करोगे तो आप इजीली और ज़्यादा एक्यूरेटली आप टोनल वैल्यूज़ बना पाओगे। अभी एक बार मैं फिर से एक लेयर बना लूँगा, आई एम यूजिंग 2H ग्रेड पेंसिल। तो उसके बाद जहाँ भी मुझे कमी लगेगी मैं उसको फिर से मैं करेक्ट कर लूँगा एक और लेयर बना के, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होगी। और इस वे से आप काम करने के साथ आप पैचेस को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। अभी जिस भी पोर्शन पे मुझे शेडिंग थोड़ी सी कम लग रही है, मैं उन पोर्शंस को अभी दोबारा से शेड कर रहा हूँ और उसके बाद एक एक करके ब्लेंड करूँगा, और इससे जो टोनल एक्यूरेसी है और बढ़ जाएगी। टोनल वैल्यूज़ बहुत अच्छे से क्रिएट हो गई हैं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे हाइलाइट्स अभी तक मैंने दी नहीं है, बट अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे हाइलाइट्स दी नहीं मैंने, और इसके साथ ही इसकी लाइट टोन्स हैं और फिर यहाँ पे मिड टोन्स आ गई इसकी ये वाले पोर्शन पे, और यहाँ पे इसकी हाई टोन्स हैं और यहाँ पे थोड़ी सी और आप डार्कर टोन्स या फिर इसकी कास्ट शेडो या कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, मतलब डार्कर टोन्स है यहाँ पे। तो इसकी और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो चुकी है और इसकी जो वेरिएशन है वो बहुत स्मूथ हो रही है, और शेडिंग में कहीं भी पैचेस नहीं है। अगर यहाँ कहीं भी पैचेस थे वो मैंने थोड़ी बहुत एरियाज को, जैसे मान लो कि अगर इस पोर्शन पे पैचेस है तो मैंने थोड़ा सा इसको शेड करके इस तरीके से और उसको मैंने ब्लेंड करके पैचेस को ऐसे रिमूव कर दिया। और अभी जो स्किन का बेस है वो एकदम रेडी है डिटेल्स के लिए, और डिटेल्स की स्टार्टिंग मैं करूँगा अंडर आई से। यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा 0.3 mm की HP ग्रेड पेंसिल। जो यहाँ पे फाइन रिंकल लाइंस हैं उन डिटेल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, और इसके जैसी जो नोज़ के अराउंड डिटेल्स हैं या फिर लिप्स के अराउंड डिटेल्स हैं
और यहाँ पे जो चिन्स के अराउंड डिटेल्स हैं उस जैसे एरियाज पे मैं ये इस तरह की डिटेल्स दूंगा और यही डिटेल्स इसमें रियलिज्म का इफेक्ट लाएंगी। और एट द एंड मैं इसमें हाइलाइट्स देके ये हमारी स्किन की शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपने डिटेल्स बिल्कुल हल्के से देनी है, ज़्यादा आपने जोर नहीं लगाना, नहीं तो ज़्यादा जोर लगाओगे तो फिर अजीब सा ऑड लग जाता है। मगर डिटेल्स इस तरीके से हो कि डिटेल्स हों भी, दूर से ना दिखें बट जब पास आके देखे कोई तो डिटेल्स दिखें उसको। दूर से सिर्फ एक जस्ट इफेक्ट आना चाहिए। और जहाँ कहीं भी शेडिंग करते वक्त कोई एरिया अगर छूट गया हो तो वो मैं बाद में भी उसको करेक्ट कर सकता हूँ। डिटेल्स के साथ साथ जो फेस पे बाकी एरियाज पे फेस ब्लेमिशेस हैं, फेस ब्लेमिशेस मतलब जो इस तरीके से हल्के हल्के डॉट्स होते हैं जो ना तो ज़्यादा शार्प होते हैं और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उस जैसी डिटेल्स आप साथ साथ ऐसे बना सकते हो। मैं अभी 2B ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप इस तरीके से हल्का सा इसको रोल ऑन करके आप फेस ब्लेमिशेस बना सकते हो और जब पूरा बनाने के बाद आप इसको हल्का सा ब्लेंड कर सकते हो किसी भी सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश के साथ। इसके साथ स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। एंड नाउ मेक सम माइन्यूट डिटेल्स हियर। जस्ट आपने छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स लगाने हैं, ज़्यादा हार्डली आपने डिटेल्स नहीं देनी, जस्ट सॉफ्टली इसको एक टेक्सचर देना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड करेंगे और फिर हाइलाइट्स। अब थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल्स इस पोर्शन पे। आई नो कि डिटेल्स बहुत छोटी हैं, इजीली दिखाई नहीं दे रही, बट यकीन मानिए अगर आप रियल में इस चीज़ को देखोगे और पिक्चर में कोई अगर जूम करके देखेगा तो रियलिज्म का इफेक्ट उसे देखने वाले को पता चलेगा कि किस लेवल पे आपने डिटेल्स वगैरह दे रखी है। अगर आप चाहो तो इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हो, जस्ट आप शेडिंग की एक्चुअल जो टोनल वैल्यूज़ हैं उसको अचीव कर लीजिए और इसके बाद हाइलाइट्स वगैरह दे दीजिए। उसके साथ भी रियलिज्म का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बट थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की डिटेल्स देने के लिए ये एक रिक्वायर्ड स्टेप है। After doing the detail part, now I can make highlights. I can use the Mono Zero eraser onto that, or also I can use this jelly roll pen for the minute highlight point. डिटेल्स देने और हाइलाइट्स बना लेने के बाद अब मैं इस एरिया को शेड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। इस एरिया की शेडिंग के मैं नरेशन अभी नहीं दूंगा। जिन स्टेप्स के थ्रू मैंने इस एरिया को शेड किया था उसी स्टेप्स के थ्रू आपने इस एरिया को शेड करना है। उसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। स्टार्टिंग में मैंने इसके जो आउटलाइंस हैं पहले उसको मैं डार्क करूंगा सो दैट की शेडिंग करते वक्त ये डिसअपियर ना हो जाएं। उसके बाद फिर शेडिंग जोन्स क्रिएट करूंगा, कहाँ पे लाइट टोन्स हैं, कहाँ पे मिड टोन्स हैं और कहाँ पे डार्क टोन्स हैं। फिर उसके बाद बेस लेयर क्रिएट करूंगा। बेस लेयर के लिए मैं HP ग्रेड पेंसिल या फिर 2H ग्रेड की पेंसिल मैं यूज़ करूंगा। एंड उसके बाद फिर उसको लेयर्स को मैं बनाता जाऊंगा और ब्लेंड करता जाऊंगा। तब तक करूंगा ये चीज़ जब तक मुझे एक ग्रेडियंट फील मुझे ना मिल जाए, एक ग्रेडियंट इफेक्ट ना जाए और डिजायर्ड जो वैल्यूज़ हैं वो ना अचीव हो जाएं। और जब मुझे एक सरफेस पे डिजायर्ड वैल्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर माइन्यूट डिटेल्स एंड देन हाइलाइट्स बना सकता हूँ और उसके बाद ये एरिया भी अच्छे से शेड हो जाएगा। I hope you like this video. If you have any doubt or query regarding this video, then you can comment on this video. This video was the 8th part of the portrait tutorial series. Its next or last part will be posted soon on this channel. So please subscribe this channel and press the bell icon on so you will never miss my any upcoming video. Till then, take care, bye bye, and wait for the next video.